मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में भाजपा के युवा तुर्क कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी विधानसभा पहुंचे और जनता पर सौगातों की बारिश कर दी। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जनसेवा पथ पर निकले कार्तिकेय सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय। बुधनी विधानसभा पहुंचकर दी जनता को सौगात। सरकार की योजनाओं का जनता को दिया लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र और युवा बीजेपी नेता कार्तिकेय चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लाड़कुई पहुंचे, जहां वह जनसेवा अभियान के तहत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं कार्तिकेय ने जनता की समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं इस अभियान में अलग अलग विभाग के स्टॉल भी लगे, तो वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान ने कार्यक्रम में आजीविका समूह, आवासीय पट्टे, राशन पर्ची, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए गए और अपना विकास का विजन प्रस्तुत किया। सचमुच में मैं कहने के नहीं कह रहा हूं, लेकिन संतोषजनक स्थिति है। हमारे यहाँ सामने उस तरफ नया भवन निर्माण हुआ है। मैंने बच्चों से पूछा, आज हमारे बीच में और बच्चों के बीच में कोई मर्यादा नहीं थी। हमने कहा कि बिना किसी डर के बताइए। जो पीछे जो नई बिल्डिंग बनी है उससे बच्चे बहुत खुश हैं। एक समस्या है पुरानी बिल्डिंग में जो 2008 का जिसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें सीपेज की समस्या आ रही है। स्वाभाविक बात है कि 2008 के कंस्ट्रक्शन में समय के साथ साथ, लेकिन इसके लिए भी बताते हुए मुझे लाड़कुई वासियों को खुशी है कि सरकार ने एक राशि स्वीकृत कर दी है 3 लाख रुपये की प्राथमिक सुधार के लिए, और इसके अलावा 15 लाख रुपए का बजट यहाँ पर स्कूल प्रशासन ने बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया है, उसमें भी हम काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, क्यों हो ऐसा कि केवल शासकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सबके लिए हैं, ऐसा क्यों हो कि केवल सरकारी उसमें काम करें? क्यों ना गैर सरकारी संस्थानों को इसमें लाकर एक जन मुहिम बनाने का हम काम करें। इसलिए कोटक महिंद्रा, एक बड़ी जो कंपनी है कोटक महिंद्रा, ने ये फैसला किया है कि स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए, जहाँ जो छोटी मोटी कमियाँ रह गई होंगी पुराने विंग में भी, ग्राउंड में भी, शौचालयों में, स्मार्ट क्लासेस बनाने में, उसमें भी कोटक महिंद्रा हमें यहाँ पर राशि देने के लिए तैयार हो चुका है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और लालपुरी के छात्रों। जनसेवा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ग्राम लाड़कुई के हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं से चर्चा की और नवीन स्कूल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं के बीच बैठकर फोटो खिंचवाई, तो वहीं स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नसरुल्लागंज।